ये नर्स फिजियोथेरेपिस्ट भी अभी साथ जाएगी? नहीं सर, ये तो हमारे सनान भाई की मंगेतर है। बैठ प्लीज, इस तरह पब्लिक प्लेस पे गुस्सा मत करें। गुस्सा मत करूं? यानी घर का मुलाजिम घर के दामाद को इतला दे रहा है कि ये बीबी नर्स नहीं सनान भाई की मंगेतर है, इसका मतलब समझती हो तुम? बेटा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन ना अचानक हो गया सब कुछ तो बताना, और वैसे भी कोई रस्म थोड़ी हुई है तुम्हारे बगैर, कुछ ऐसे तो नहीं हो सकता ना कोई रस्म वगैरह। अचानक सिर्फ हादसा होता है आंटी, जो कि इस मंगेतर के हुलिये से जाहिर है। कहां से ढूंढ लिया आपने रातों रात ही लड़की? आप पर तो बस जुनून सवार था, रिश्ता हो जाए बस, किसी से भी हो जाए। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है चाहे जिससे भी हो जाए? आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। बेटा ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, तुम मुझसे चाहे जितनी भी वजाहत ले लो, लेकिन मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी कि तुम मेरी होने वाली बहू से इस तरह से बात करो। दिस इज नॉट फेयर। ओके, लेकिन यहां से जाने के लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूं, तुमने चलना है तो चलो, वरना पे यहीं रुको। शिज्जत बेटा, शिज्जत रुको, इसे क्या हुआ? रोको इसे बेटा, घर चले। हाँ। सुनो, ये अपने मुंह का जाविया दुरुस्त करो, मैं कोई बदमजगी नहीं चाहता, ये मेरे भाई की खुशी का मौका है। आओ। बस थोड़ी देर। कितना कहा था मैंने बैठ से कि वक्त पर आ जाए, क्यों नहीं आया अब तक? आखिर आ क्यों नहीं पा रहे? कहां रह गए? मुझे क्या पता। लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उबैद, तुमसे कहा भी था मैंने कि वक्त पर पहुंच जाना, क्यों इतनी देर लगा दी? मामू 2 घंटे हो गए आपको घर से निकले हुए, कहां रह गए थे आप लोग? निकले तो थे मगर हॉस्पिटल जाना पड़ गया। आप लोग हॉस्पिटल से आ रहे? क्या सनान बिल्कुल ठीक हो गया है? वो ठीक चलने लगे? एक्सक्यूज मी, तुमसे मतलब? बताए ना मामू, आपने देखा? पता नहीं। भाई को हॉस्पिटल देखने तो रोज जाती हो, लेकिन शौहर के भतीजे को देखने के लिए वक्त नहीं मिला तुम्हें? कितनी कॉल्स की थी, कितना कहा था कि वक्त पर आ जाना। कहते हैं कि अगर पैदा हुआ वह बच्चा बे औलाद औरत की गोद में दिया जाए ना, तो उसकी सोनी गोद हरी हो जाती है, अच्छा शगुन होता है। लेकिन ना जी, हमारी कौन सुनता है यहां?
ये तो कोई मसला नहीं है। मैं ऐसा करूंगी कि हर रोज किसी भी लेबर रूम के बाहर जाके खड़ी हो जाऊंगी और जो भी बच्चा पैदा होता रहेगा उसे गोद में भर के शुगल लेती रहूंगी। उबैद, उबैद देख रहे हो ये कैसे बात कर रही है मुझसे? सुमैया तुम बदतमीजी कर रही हो, बाजी तुम्हारे भले के लिए कह रही है। अच्छा वैसे बाजी, बाय द वे ये जो टोटका है ये सिर्फ बेऔलाद औरतों के करने के लिए है या फिर बेऔलाद मर्द भी इसे ट्राई कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि नौमौलूद बच्चे को गोद में भरने का। उबैद, सुमैया बात करने की तमीज नहीं है तुम में जरा भी? नहीं है। आप बस ये बताइए कि इतना अच्छा नुस्खा आपने आज तक छुपा के क्यों रखा? मैं जानती हूँ अच्छी तरह आप सिर्फ और सिर्फ ये मेरा दिल जलाने, मेरी शिकायत लगाने और हम दोनों मियाँ बीवी के बीच झगड़ा करवाने के लिए कह रही हैं। और आप जानती हैं मियाँ बीवी के बीच झगड़ा करवाने वाले को क्या कहते हैं? उबैद, उबैद देख रहे हो, तुम्हारी बीवी मुझे शैतान कह रही है। सॉरी जमशेद,